Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो दोस्तों आज ग्रीन लाइन बस पे जो है ना हम आपको सफ़र दिखाएंगे, टिकट का भी आपको दिखाएंगे कि टिकट कैसी है। तो मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं, देखते हैं, टिकट भी लेंगे और ग्रीन लाइन पे आपको सफ़र भी दिखाएंगे कि ग्रीन लाइन का सफ़र कैसा है। देखते हैं दोनों का बच्चों को। ये हम एंटर हो रहे हैं, सिक्योरिटी का बेहतरीन निज़ाम। गाड़ी आ चुकी है, हम सफ़र करने लगे हैं। वो हमें पता है इस बात। टिकट मैंने कार्ड बनवाया है और कार्ड में बैलेंस डलवाया है, बैलेंस कम था। तो कोई स्टूडेंट का पैकेज वगैरह नहीं? कोई पैकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, अभी तक किया नहीं है। दोस्तों बात करते हैं किसी मुसाफिर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप को कैसा लग रहा है इसमें सफर? मैं तो समझता हूँ आज से 10 साल पहले शुरू होना चाहिए था, बहुत लेट हुआ। बहरहाल अब जो हुआ बेहतर हुआ है और बहुत अच्छी कंफर्टेबल सफ़र है। मैं अपनी कार में आता था और जब मैंने ये स्टार्ट हुआ 10 तारीख से, तो मैं इसमें माशाल्लाह अपने आ रहा हूँ, अपने घर से बैठता हूँ सीधा अपने ऑफिस के लिए। अच्छा, आपका ऑफिस जो है ना इसी रूट पे पड़ता है या कहीं और से फिर ट्रैफिक को लेना पड़ता है? मुझे आगे से मज़ीद लेनी पड़ती है सर्विस, तो बहरहाल यह है कि फिर भी डिस्टेंस कम हो जाता है। और किराए के बारे में क्या बोल रहे हैं? किराए तो बहुत हैंडसम है और बहुत बेहतर है, फर्स्ट क्लास है। हमें तो बहुत खुशी हुई है ये वक्त से पहले
होना चाहिए था मगर ये बहुत ही अच्छा हो गया। अच्छा अभी ये तो ग्रीन लाइन जो है ना स्टार्ट हो गई है, इसके अलावा ऑरेंज लाइन भी तकरीबन रेडी है हाँ। और उसके अलावा तीन और भी हैं तो होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए बिल्कुल, वो एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी ये होना चाहिए था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और ये कराची में तो सबसे पहले हो जाना चाहिए था। अब ये पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हुआ, जैसे मैं इस्लामाबाद से भी बिलोंग करता हूँ, वहाँ मैंने मेट्रो को देखा, वो ठीक है एक कैपिटल है मगर ये भी एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, इसको बहुत जल्दी ही जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अच्छा ये अभी नुमाइश तक है तो आपका ख्याल है कि ज्यादा आगे तक बिल्कुल जाना चाहिए, टावर तक जाने चाहिए, क्लिफ्टन तक जाना चाहिए ताकि लोग जो है सैर व तफरीह के लिए वहाँ जाएं, आसानी हो उन लोगों के लिए, कंफर्टेबल है बिल्कुल, इजी है, हर आदमी आराम से बैठ सकता है और अगर उसको सीट ना भी मिले तो स्टैंड भी करके खड़ा भी होता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किराया ज्यादा तो नहीं है? किराया नहीं है, मुनासिब है, मुनासिब है। वो जो हड्डियाँ टूटती है रक्षे में बैठने से, खड्डों में लगने से, रोडों से, उससे बहुत बेहतर है, उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। दोस्तों ये थे यहाँ के रिहायशी और सफ़र करने वाले, अपनी कार को छोड़कर यहाँ से जो है ना आराम से, क्योंकि कार के अंदर अगर सफ़र करेंगे या बाइक में करेंगे या और दूसरी ट्रैफिक में सफ़र करेंगे तो उस सूरत में जो है ना एक तो इनको ट्रैफिक जाम मिलेगा, तो ये एक अलग ही रूट है, ये अलग से रूट, मुराद ये है कि इसका इसके आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, इसमें सीधा चलना है और अपने स्टॉप पर उतरना है, तो जिस वजह से जो है ना इनको बहुत ही ज़्यादा बल्कि काफ़ी लोगों को जो है ना आसानी हो गई है। तो उम्मीद है कि और जो दो तीन लाइनें जो और चलने वाली है जैसे ब्लू लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन और रेड लाइन, तो वो भी जो है ना जल्द से जल्द चल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तीनों चारों पांचों प्रोजेक्ट को जो है ना जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि और आवाम को सहूलत मिल सके, कराची के आवाम को और जो ये मुसीबतों में जो ऊपर छतों में बैठ के जो सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। ड्रोन उड़ाना है नागन पे यहाँ आगे करके।